नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में मैकेनिकल सील के ऊपर इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको प्रिपेयर करेंगे। मैकेनिकल इंजीनियर को मैकेनिकल सील टॉपिक पे अक्सर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टोटल 12 क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें और इन क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैकेनिकल सील इन सेंट्रीफ्यूगल पंप? सेंट्रीफ्यूगल पंप में मैकेनिकल सील का क्या फंक्शन होता है? ऑप्शन ए, प्रिवेंट द लीकेज ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड को लीक होने से रोकती है। ऑप्शन बी, सपोर्टिंग द शाफ्ट ऑफ पंप, पंप की शाफ्ट को सपोर्ट करने का काम करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रिवेंट द लीकेज ऑफ लिक्विड, यानी मैकेनिकल सील लिक्विड को लीकेज होने से रोकती है और पंप की शाफ्ट को सपोर्ट करने का काम करते हैं बियरिंग। बियरिंग पंप की शाफ्ट को सपोर्ट करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, विच पार्ट ऑफ मैकेनिकल सील इज रोटेट विद शाफ्ट? मैकेनिकल सील का कौन सा पार्ट शाफ्ट के साथ रोटेट करता है? ऑप्शन ए, स्टेशनरी पार्ट। ऑप्शन बी, रोटरी पार्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोटरी पार्ट। क्वेश्चन नंबर थ्री, विच इज बेटर ऑप्शन फॉर 100% सीलिंग इन सेंट्रीफ्यूगल पंप? सेंट्रीफ्यूगल पंप में 100% सीलिंग के लिए कौन सा बेटर ऑप्शन है? ऑप्शन ए, ग्लैंड सील। ऑप्शन बी, मैकेनिकल सील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैकेनिकल सील। ग्लैंड सील में 100% सीलिंग नहीं होती, ग्लैंड सील में ड्रॉप ड्रॉप लीकेज होने के चांसेस रहते हैं, तो ये रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन नंबर फोर, विच पार्ट मेक टेंशन इन मैकेनिकल सील? मैकेनिकल सील में कौन सा पार्ट टेंशन देने के लिए यूज होता है? ऑप्शन ए, रोटरी फेस। ऑप्शन बी, ओरिंग। ऑप्शन सी, स्प्रिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्प्रिंग का यूज मैकेनिकल सील में टेंशन देने के लिए किया जाता है और फिर ग्रब स्क्रू के साथ इसको लॉक कर दिया जाता है। बी और ए रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच पार्ट ऑफ मैकेनिकल सील इज फिटेड इन स्टफिंग बॉक्स? स्टफिंग बॉक्स में मैकेनिकल सील का कौन सा पार्ट फिट किया जाता है? ऑप्शन ए, रोटरी पार्ट। ऑप्शन बी, स्टेशनरी पार्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्टेशनरी पार्ट। रोटरी पार्ट शाफ्ट के साथ रोटेट करता है और जो स्टेशनरी पार्ट होता है वो फिक्स होता है और ये स्टफिंग बॉक्स में फिट किया जाता है। तो ऑप्शन ए रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज पर्पस टू गिव सील वाटर इन मैकेनिकल सील? मैकेनिकल सील में सील वाटर को देने का क्या पर्पस होता है? ऑप्शन ए, कूल द मैकेनिकल सील फेसेस, यानी सील के जो फेसेस होते हैं उनको कूल करने का काम करता है। ऑप्शन बी, लुब्रिकेट द मैकेनिकल सील, मैकेनिकल सील को लुब्रिकेट करने का काम करता है। ऑप्शन सी, बोथ, यानी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी सील वाटर जो होता है वो मैकेनिकल सील में कूलिंग का काम भी करता है और लुब्रिकेट करने का काम भी करता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, डज मैकेनिकल सील वर्क अंडर वैक्यूम? क्या मैकेनिकल सील अंडर वैक्यूम काम करती है? ऑप्शन ए, यस। ऑप्शन बी, नो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यस। मैकेनिकल सील अंडर वैक्यूम भी काम करती है और अंडर प्रेशर भी इसको यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर एट, विच फेस मटेरियल यूज्ड इन मैकेनिकल सील फॉर केमिकल ट्रांसफर पंप? केमिकल ट्रांसफर करने वाले पंप में कौन सी फेस वाली मैकेनिकल सील का यूज किया जाता है?
ऑप्शन ए पीटीएफई, ऑप्शन बी टंगस्टन कार्बाइड यानी टीसी, ऑप्शन सी सिलिकॉन कार्बाइड यानी एससी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पीटीएफई। पीटीएफई को केमिकल ट्रांसफर यानी एसिड में जो पंप यूज होते हैं उनके लिए यूज किया जाता है। इसमें सेरामिक और पीटीएफई के फेसेस यूज किए जाते हैं। इसमें जो सील होती है वो होती है टेफ्लन बेलो सील का यूज किया जाता है। और टंगस्टन कार्बाइड को किसी अदर लिक्विड के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा प्रोडक्ट दूध है या फिर कोई अदर प्रोडक्ट है तो वहां पे टंगस्टन कार्बाइड को यूज किया जाता है। और पानी में सिलिकॉन कार्बाइड को भी यूज किया जाता है, पर केमिकल ट्रांसफर के लिए पीटीएफई सील को यूज किया जाता है। तो ये दोनों रॉन्ग आंसर हैं। विच मटीरियल यूज टू मेक ओरिंग ऑफ मैकेनिकल सील। मैकेनिकल सील में ओरिंग को बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? ऑप्शन ए वाइटन, ऑप्शन बी पीटीएफई, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी ओल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ओल। ये तीनों मटेरियल मैकेनिकल सील के ओरिंग बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज नोन एज सेकेंडरी सील इन मैकेनिकल सील। मैकेनिकल सील में सेकेंडरी सील के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन ए रोटरी फेस, ऑप्शन बी स्टेशनरी फेस, ऑप्शन सी ओरिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ओरिंग को मैकेनिकल सील में सेकेंडरी सील के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ओरिंग भी मैकेनिकल सील में लीकेज रोकने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सेरामिक सील फेसेस इज यूज्ड फॉर डैश पार्ट ऑफ मैकेनिकल सील। सेरामिक सील वाले फेसेस मैकेनिकल सील में किस पार्ट के लिए यूज किए जाते हैं? ऑप्शन ए रोटरी पार्ट के लिए, ऑप्शन बी स्टेशनरी पार्ट के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्टेशनरी पार्ट के लिए। सेरामिक को केमिकल ट्रांसफर पंप में यूज किया जाता है। इसमें जो सील यूज की जाती है वो टेफ्लन बेलो सील का यूज किया जाता है, और जो स्टेशनरी पार्ट होता है वो सेरामिक का बना होता है, और ये स्टफिंग बॉक्स में फिट रहता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज पर्पस ऑफ ग्रब स्क्रू इन मैकेनिकल सील। मैकेनिकल सील में ग्रब स्क्रू का क्या पर्पस यानी क्या फंक्शन होता है? ऑप्शन ए लॉकिंग द मैकेनिकल सील ऑन शाफ्ट, यानी ग्रब स्क्रू मैकेनिकल सील को शाफ्ट के ऊपर लॉक करने का काम करते हैं। ऑप्शन बी गिव टेंशन इन मैकेनिकल सील, या फिर मैकेनिकल सील में टेंशन देने के लिए ग्रब स्क्रू का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉकिंग द मैकेनिकल सील ऑन शाफ्ट। टेंशन देने के लिए स्प्रिंग का यूज किया जाता है मैकेनिकल सील में, तो ये रॉन्ग आंसर है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।